दोस्तों, ऐसे सवाल बार बार मेरे पास में आए दिन पति लोगों की तरफ से आ रहे हैं। पति लोगों का ये पूछना होता है कि सर, नया कानून बहुत ही जल्दी आ रहा है, तो इसके अंदर व्हाट्सएप चैट, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स मान्य होगी या फिर नहीं होगी? इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास में कोई भी एविडेंस हो, मान्य होगा या फिर नहीं होगा? ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करें जब नया कानून लागू हो? यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि नई धाराएं 57, 58, 61, 63 आ चुकी है और इसी के आधार पर अब प्रोसीजर चलेगा। तो ये कौन सी धाराएं हैं, ये सारी चैट्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह मान्य होंगे या फिर नहीं होंगे, इसकी कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, इस बात का आपको अच्छे से पता है कि जब पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही एक दूसरे को गलत दिखाने के लिए प्रमाण होते हैं, सबूत होते हैं, और इन्हीं के आधार पर कोर्ट डिसीजन देने को बाध्य होती है, डिसीजन देती है। पर यहाँ पे अब नया कानून लागू होने वाला है, तो इस संशय बना हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मान्य होंगे भी या फिर नहीं होंगे, इसके आधार पे कोर्ट डिसीजन देगी या फिर नहीं देगी, हम ऐसे एविडेंस बनाएं या फिर ना बनाएं। तो दोस्तों, ये संशय, ये डर इस वजह से बना हुआ है क्योंकि पुराने कानून के अंदर कई कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, व्हाट्सएप चैट को, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स को मान लेती थी और कई कोर्ट नहीं भी मानती थी। जब नए कानून के अंदर प्रावधान किया भी गया है या फिर नहीं किया गया है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर सेक्शन के अनुसार मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला सेक्शन आता है भारतीय साक्ष्य विधेयक का 57। 57 के अंदर आता है प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य का मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपने बनाए हैं, व्हाट्सएप चैट हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो उसका जो मूल कॉपी होता है, ओरिजिनल यानी कि असली एविडेंस, तो जिस डिवाइस के अंदर आपने मूल कॉपी बनाई है वो ओरिजिनल एविडेंस होंगे। और 57 भारतीय साक्ष्य विधेयक के अकॉर्डिंग वो एविडेंस आप कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं। अब दूसरा सेक्शन आता है भारतीय साक्ष्य विधेयक का सेक्शन 58। इसका मतलब होता है जो ओरिजिनल कॉपी एविडेंस की होती है उसकी फोटोकॉपी या फिर सर्टिफाइड कॉपी, तो उसको भी कोर्ट के अंदर लगाया जा सकता है। अब अगला सेक्शन आता है भारतीय साक्ष्य विधेयक का सेक्शन 61। 61 का मतलब ये होता है कि इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं, कोर्ट इनकार नहीं कर सकती है, जिसमें व्हाट्सएप चैट भी आती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आती है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आती है। अब अगला सेक्शन आता है भारतीय साक्ष्य विधेयक का सेक्शन 63। इसका मतलब ये है कि आप पुराने कानून के अकॉर्डिंग सेक्शन 65B का एक एफिडेविट दिया करते थे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप कोर्ट के अंदर दे रहे हैं, व्हाट्सएप चैट दे रहे हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, तो जेन्युइन दे रहे हैं, फेक नहीं दे रहे हैं। तो अब ये एफिडेविट आपको न्यू लॉ के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, सेक्शन 63 का। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेक्शन 57, 58, 61, 63 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में अच्छे से खुलासा किया गया है कि ये एविडेंस कोर्ट के अंदर मान्य है, इनको आप कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं। तो आपको भविष्य के अंदर ये एविडेंस जरूर बनाने हैं, जिससे आपका काम आसानी से हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो ये आपका सवाल था कि सर, क्या कोर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह मान्य होगी या फिर नहीं होगी, तो इसका उत्तर ये है कि हाँ, बिल्कुल मान्य होगी, इनको आप लगा सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।